हाय गाइज नमस्ते, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइज सुबह हो चुकी है एंड मैं बना रही हूँ अपना चाय। आज मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी क्योंकि मुझे कपड़े धुलने थे, बहुत दिन के रखे हुए थे पेंडिंग, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। 8 बजे मैं उठ गई थी एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि हेयर ऑयलिंग भी कर लेती हूँ क्योंकि हेयर ऑयलिंग की रहूँगी तो ही मैं हेयर वॉश करती हूँ, और 2-3 घंटे मुझे चाहिए होते हैं लगाने के लिए तेल, मतलब तेल लगा के रखने के लिए। तो मैं अभी इस टाइम पे इंदुलेखा तेल यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। एंड उसके बाद मैं चाय एंड अपना ब्रेड मैंने जो टोस्ट किया था वो मैं खाने लगी हूँ। और पीछे देखिए कितना सारा कपड़ा मैंने अभी जस्ट निकाला है ना सब धुलने के लिए, तो सब निकाल निकाल के रखा है। अभी 2 बार में 3 बार में धुलेगा जो भी, लेकिन आज मैं पूरा धुल के ही रहूँगी चाहे जो भी हो जाए, बहुत दिन से पेंडिंग रखा हुआ है कपड़े सारे। बैक एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस ये देखिए बेटू उठ चुकी है, इनकी मालिश भी हो चुकी है एंड आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे कपड़े धुलने थे ढेर सारे एंड कपड़े धुलने के लिए लगा दिए, सूखने के लिए लगे हुए हैं आधे कपड़े, आधे धुलने के लिए लगे हुए हैं। बेटू बुब्बा पी रही है। गुड मॉर्निंग। बुब्बा छोड़ के तुम देखने लगे? बुब्बा छोड़ के। बुब्बा पियोगे? लो पियो पियो।
पी लो। नहीं पीना, पीना है अम्मा पास चल रहा है। अभी सब सो रहे हैं बेटे, अभी बुब्बा पी लीजिए। 6 महीने की तो हो चुके हैं आप, खुद से उठा के पी लीजिए। बुब्बा पियेंगे तो दे दिया इनकी अम्मा के पास। अब जल्दी से मैं अपना रूम से ही जाऊँ। एंड कपड़े धुल चुके हैं, मैं उसको डालने लगी हूँ। और साथ ही साथ देखिए मम्मी का ये गार्डन जो ये सामने दिख रहा है ना, इसका मैं क्लोजअप व्यू दिखा रही हूँ। ये मम्मी ने पूरा लगाया हुआ है, ये सारे पौधे और इसमें ढेर सारे फ्लावर्स निकलते हैं। इस तरीके से पूजा के काम तो आ ही जाता है हम लोगों का। एंड 2-3 काम मैं साथ में कर रही हूँ। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, मैं उसको खाती हूँ रोज़ सुबह। मैं खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स या भीगे हुए, फिर ऐसे ही जैसे मेरा मन रहता वैसे खा लेती हूँ। अगर भिगा लेती हूँ तो वैसे ही खा लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही। एंड उसके बाद मैंने खाया आलू की आलू बैंगन की सब्ज़ी एंड कचौड़ियाँ, बहुत टेस्टी थे ये वाले, यशी ने बनाए थे। और ये देखिए इनके पापा अभी तक सो रहे हैं, और बेटू वहाँ पे देखिए अलमाई ले रही है, वो भी सो के उठी है। लेकिन अभी वही है ना कि सो रही है उठ रही है, ये सब कर रही है, मस्ती कर रही थी थोड़ी सी। एंड इसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी तो मैंने फिर नींबू पानी बनाया एंड उसको पिया।
मैं तोता, मैं तोता। ये देखो, डक्कू आ गई मम्मा, डक्कू आ गई। एंड अब तक मैं हो चुकी थी शाम, एंड फिर मैं कपड़े सारे ले आई तह के रखने लगी हूँ सारे जहाँ जहाँ पे रखने थे। एंड अब हो चुका है शाम के नाश्ते का टाइम, और कोई आया भी था, मम्मी की कोई फ्रेंड वेंड थी वो आई थी, तो मैंने उनके लिए दम आलू बनाया था और चाय, फिर वही मैं सर्व कर रही हूँ।
एंड इस तरीके से हो गई थी रात। रात में फिर हम लोग ने खाना जो आंटी ने बनाया था वही खा लिया था। उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैं बेटू के साथ थोड़ा सा एंजॉय करी थी इस तरीके से। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज़ ब्लॉग गाइज। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।